राजस्थान में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत तो दर्ज नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए अभी से तैयारियां जरूर उन्होंने शुरू कर दी है। बता दें कि आलाकमान के निर्देश पर लोकसभा पर्यवेक्षक अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। इस कड़ी में राजसमंद लोकसभा पर्यवेक्षक और पूर्व मंत्री शकुंतला रावत राजसमंद जिले के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद के सभागार हॉल में कांग्रेस नेताओं से विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, बीजेपी डरी हुई है। बता दें कि राजसमंद जिले में बैठक में राजसमंद लोकसभा सीट के लिए अभी 5 दावेदारों के भी नाम सामने आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजसमंद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा कम नहीं है, बिल्कुल जोश और जज्बा है। और ये तय कर लिया है राजसमंद लोकसभा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कि अब की बार राजसमंद हम जीत के दिखाएंगे।